ग्रोथ तो हुई है मेरी, जिनको देख के हमने स्टार्ट करा था, आज वो हम पे डेडिकेटेड वीडियो बना रहे भाई हमारी। तो गाइस हर्ष बेनीवाल की नई वीडियो पे जहां उन्होंने रोस्ट किया यूके 07 राइडर को, हर्ष बेनीवाल ने एल्विश यादव और मैक्स टन की फाइट पे, तो इसी पर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव ने अपने व्लॉग के अंदर क्या कहा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूं। अभी बेनीवाल का फोन आया था मेरे पास, बेनीवाल का कह रहा भाई वीडियो निकाली मैंने ट्रेलर तो देखा, वीडियो देखी भाई, वो है फ्रेंडली रोस्ट है, फोन कर दिया ना ना दोस्त है भाई, ये क्या हो गया मुझे अच्छा लगा ये देख के। अब उस वीडियो में चाहे जो भी हो मैं तो देखो उसे सपोर्टिव लूंगा क्योंकि मेरे भाई ने बनाई है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, पर मुझे आज एक लेवल अप फील हुआ कि 2015-16 में जिसको देख के मैंने स्टार्ट कर दी, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी ने तो नहीं बनाई, चलो हर्ष भी था भाई उनमें से, हर्ष भी अब भी बड़ा नाम है तब भी था, तो हर्ष की वीडियो देख के मुझे मजा आता था, मैंने स्टार्ट करी देखनी, और इसमें वो कोई वो नहीं है भाई दोहराए कि मैं छोटा हो जाऊंगा या फिर कुछ नहीं, देख के स्टार्ट करी तो करी, और फिर आज हर्ष भाई ने वहीं गाइज लक्ष्य चौधरी ने रिएक्ट किया है वायरल गर्ल पर, जहां मन्नत ने अपने हस्बैंड को बेचने के लिए कहा था, तो इसी चीज को लेकर लक्ष्य चौधरी क्या कह रहे हैं मैं आपको छोटा सा। काम आज तक हम फ्री में कर रहे थे तो उसके पैसे मिलेंगे। जो सन राइडर ने भी अपना पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे, मैं आपको छोटा सा स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जहां उन्होंने रिएक्ट किया है हर्ष बेनीवाल के उस वीडियो को, मैंने 200 रुपए से वो चालू किया था और आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं, रो सिन्हा का थैंक यू करता हूं। कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है मन्नत करके, इसने बेचारी ने एक रील बनाई कि मैं तो अपने पति को बेच दूंगी किसी दूसरी औरत को पैसों के बदले, तो इसको ना लड़कियां बहुत हेट दे रही हैं इस बात पे। अबे कोई हमारे आदमियों से ही पूछ लेता भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो काम आज तक हम फ्री में कर रहे थे तो उसके पैसे मिलेंगे। मैं भी उस लड़की का ना कमेंट सेक्शन भी देख के आया, वहां सारे लड़के उसके साइड ले रहे हैं, सारे लड़के साइड ले रहे हैं, जितनी भी उसको गालियां दे रही है ना वो लड़कियां दे रही हैं। लड़कियां तुम क्यों रिप्रेजेंट कर रही हो मर्द को, तुम्हें क्या जरूरत है मर्द के लिए लड़ने की। मैं जितना मेल फेमिनिस्ट से चिढ़ता हूँ ना उतना ही मैं फीमेल मर्द सेवियर से चिढ़ता हूँ।